नागपुर शहर में एनपीएस राशन कार्ड धारकों की संख्या 2,19,464 है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना का लाभ इन राशन कार्ड धारकों को देने की मांग बंडू तलवेकर द्वारा की गई है। नागपुर शहर में एनपीएच राशन कार्ड धारकों की संख्या टेकानाका जोन में 38,664, धंतोली जोन में 37,784, मेडिकल जोन में यह संख्या 8,466, महल जोन में 42,275, इतवारी जोन में यह संख्या 50,577, सदर जोन में यह संख्या 41,698। कुल नागपुर शहर में एनपीएच राशन कार्ड धारकों की संख्या 2,19,464 है। कोरोना विषाणु के पार्श्वभूमि पर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना के माध्यम से इन राशन कार्ड धारकों का इस योजना में समावेश किया जाए। मई से जून 2020 तक प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त वितरण करने का आदेश दिया जाए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा एनपीएच बंद कार्ड धारकों को गेहूं 8 रुपए प्रति किलो, चावल 12 रुपए प्रति किलो, यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुनर्विचार करना चाहिए। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, यह सुविधा एनपीएच बंद राशन कार्ड धारकों को प्रदान करे। एनपीएच राशन कार्ड यह अंत्योदय प्राधान्य गट के 20 से 25 वर्ष पुराने राशन कार्ड धारक है। ऐसे राशन कार्ड धारकों को दुकानदारों द्वारा परिवार के आधार कार्ड की जेरोक्स देने के बावजूद दुकानदारों ने प्रशासकीय कर्मचारी द्वारा लिंक नहीं की जाने की बात बताई, इसलिए जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी है। इसीलिए इन एनपीएच राशन कार्ड धारकों को कोरोना की पार्श्वभूमि पर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना के तहत राशन का वितरण करना चाहिए, ऐसी मांग शिवसेना नेता बंडू तलवेकर द्वारा की गई है। महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री, नागपुर जिले के पालक मंत्री सम्माननीय नितिन जी राउत साहब को नागपुर शहर के एचपीएच एनपीएच कुटुंब धारक के तरफ से, राशन कार्ड धारक के तरफ से जनहित में जाहिर निवेदन। नागपुर शहर में एनपीएच राशन कार्ड जो हुए हैं उनकी संख्या है 2,19,464। हमारा एक निवेदन यह है कि सम्माननीय पालक मंत्री साहब ने अन्न सुरक्षा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत जो निशुल्क प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज है वो एमपीएच कुटुंब धारक को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। और महाराष्ट्र शासन से निवेदन यह है कि एनपीएच जो कुटुंब धारक है ये कोई योजना नहीं है एनपीएच, ये उनके एनपीएच अंतर्गत उनके राशन कार्ड रद्द हुए, उसके लिए उनका राशन कार्ड चालू है लेकिन अनाज नहीं मिल रहा। और अभी जो कोरोना वायरस के अंतर्गत जो ये जो अभी का जो वातावरण चालू है उसमें उन्होंने इसको एक कोरोना वायरस के पार्श्वभूमि पर उनको शासकीय अन्न योजना का उसको लाभ देना चाहिए। और दूसरा विषय है एनपीएच जो राशन कार्ड धारक है वो राशन कार्ड एनपीएच हुआ उसके लिए जवाबदार कोई होगा तो अन्न पूर्वता विभाग के कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, उनका आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ या उनका आधार कार्ड आरसी नंबर नहीं मिला उनके राशन कार्ड में, आधार कार्ड उन्होंने राशन कार्ड के दुकानदार को दिया था लेकिन दुकानदार ने प्रशासन के तरफ जमा नहीं किए, इस तरीके से एनपीएच ये राशन कार्ड धारक का ये आया हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनके साथ में न्याय होना चाहिए, यह मैं जाहिर निवेदन करता हूँ। कल दिनांक 27/4/2020 को हमने सम्माननीय पालक मंत्री और हमारे नागपुर शहर के अन्न पूर्वता अधिकारी सवाई साहब को ज्ञापन दिया है, धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।